Hi, Richa Pati. Very, very good evening. Welcome to all my lovely students out there, and I hope you guys are doing absolutely amazing. So, जल्दी जल्दी से एक बारी मुझे लाइव चैट के अंदर बता दो, how is my बच्चा पार्टी doing? सब एकदम full power, ready to rock the show? Yes or no? जल्दी जल्दी से. Hello, hi everyone. A very good evening. अच्छा, तो आज बच्चा बेसिकली हम करने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट का लेक्चर नंबर 2. So this particular part again is a very very important part from your examination point of view. Money and credit के ज़्यादातर जो questions हैं इसी part में से आते हैं, terms of loan में से, self help groups में से, और कुछ काफी important questions हम इस particular part में से करने वाले हैं. तो बहुत ही मजा आने वाला है and you guys are gonna absolutely enjoy a lot. तो इसी के साथ बच्चा एक और चीज, ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है ना, दिस इज ऑल्सो गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वन मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, तो बहुत सारे वन मार्कर क्वेश्चन आज हम क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे. सो यू गाइस हैव टू आंसर देम डाउन इन दी लाइव चैट एंड कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हो. उसके साथ साथ अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ईच वन ऑफ यू गाइस. कल लोहड़ी थी, आई होप यू गाइस एंजॉयड योर फेस्टिवल. एंड आज मकर संक्रांति है, सो अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ईच वन ऑफ यू गाइस आउट देयर. और बच्चा, फॉर ऑल दोज ऑफ यू गाइस हु आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज दीपाक्षी मैनी and I will be taking up social sciences for all of you guys at the platform. So history, civics, geography, economics, सारे के सारे हम लोग chapters बहुत अच्छे से करने वाले हैं, so that you guys can ace 100 on 100 in your board exams. So lecture number 1 of money and credit already on air जा चुका है कल. So if you guys haven't watched it yet, make sure that you guys do watch it. इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, एकदम इजी ब्रीजी जल्दी से हो जाएगा. ठीक है, उसके साथ साथ जिस जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है गाइज, मेक श्योर दैट यू डू इट बिकॉज यू आर सर्टनली मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. यू विल बी गेटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन योर. तो यू गाइज कैन स्कैन दिस क्यू आर कोड फ्रॉम गूगल लेंस या फिर आप इस लिंक की हेल्प से भी ज्वाइन कर सकते हो. And make sure that you like the button, like the session, and share it with all your friends as much as you can, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए. साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज आपको सारी की सारी रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेंगी. एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल. तो अभी हम शुरू करते हैं मनी एंड क्रेडिट का लेक्चर नंबर 2 बच्चा. तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपके एग्जाम्स के लिए कम से कम नहीं तो 5 to 7 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल सॉर्ट कर देगा, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, समझ में आई सबको इतनी बार? जल्दी जल्दी से मेरे को लाइव चैट के अंदर बता दो इफ यू गाइज आर एब्सोल्युटली रेडी. जल्दी जल्दी गाइज, क्विकली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो सब एकदम फुल पावर, वेरी गुड गाइज, लवली. चलो तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी. एंड बेसिकली हमने टू टर्म्स और लोन्स वगैरह वाला जितना भी पार्ट था, चेक्स के बारे में, करेंसी के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में इन द बैंक, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कल वाले सेशन में कर चुके हैं. तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टर्म्स ऑफ क्रेडिट. अब भाई एक बात बताओ, अगर कहीं पे भी उधार लेने के लिए जाते हो तो वो बंदा क्या कहता है कि चलो भाई तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो शक्ल से, इसलिए चलो मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ. या फिर अगर फॉर दैट मैटर आपसे भी कोई उधार मांगने आते हैं तो आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक तो करते हो, देखते हो कि इस इंसान की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, या फिर इसके पास गिरवी रखने के लिए या कोलैटरल के तौर पे कोई भी सिक्योरिटी का सामान है कि नहीं है, तभी तो आप लोन लोगे. भाई कल को ये तो दिमाग में आते हैं ना कि अगर बंदा पैसे लेके भाग जाए तो, है कि नहीं? तो बच्चा बिफोर गिविंग द क्रेडिट, क्रेडिट क्या है? क्रेडिट है बेसिकली लोन, राइट? तो क्रेडिट देने से पहले हम बहुत सारी चीजों को चेक करते हैं, वो कहलाती है हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट. सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस एंड अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये वाला एग्जाम्स के अंदर आता है. देखो ऑब्वियसली बात है, कभी भी हम अगर कहीं से भी लोन लेते हैं या कहीं पे भी लोन देते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ बच्चे हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, राइट? अब इंटरेस्ट का अमाउंट वेरी करता है, कभी कभी 2% का इंटरेस्ट होता है, कभी 3% का, कभी 5% का, कभी इंटरेस्ट जो है वो आपका पर मंथ होता है, कभी इंटरेस्ट जो है वो पर एनम होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोन ले कहां से रहे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जब भी लोन की बात आती है तो उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व.
इन्वॉल्व होती है। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो वो होता है जो उधार देता है यानी कि लेंडर, और दूसरी पार्टी होती है जो कि उधार लेता है यानी कि बोरोअर। जो देता है वो लेंडर, जो लेता है वो बोरोअर। और बच्चा हर एक लोन अग्रीमेंट के अंदर एक प्रॉपर एक इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड होता है विच इज टू बी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट का हमने लोन लिया होता है। और इसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस कोई ना कोई कोलैटरल भी जरूर होता है। अब ये कोलैटरल जो है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट वन मार्कर की डेफिनेशन आ सकती है कि कोलैटरल क्या होता है। अच्छा चलो, आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज मस्ट हैव हर्ड कि अगर कभी हम जा रहे हैं बैंक से लोन लेने, तो हमने गोल्ड रखा है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वी हैव यू नो, जब भी हम लोन लेते हैं तो हमने लैंड गिरवी रखा है, या फिर कुछ ना कुछ हम लोग मॉर्गेज के तौर पे रखते हैं, मॉर्गेज के तौर पे या फिर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे हम रखते हैं, राइट? दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कोलैटरल। अभी इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ। कोलैटरल बेसिकली एक एसेट होता है जो बोरोअर का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पीस ऑफ लैंड है, अब लैंड को गिरवी रख के मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट का लोन ले लिया है, ठीक है? तो अब वो एसेट जो है बच्चा, वो कुछ भी हो सकता है, वो लैंड भी हो सकता है, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कोई गाड़ी भी, व्हीकल भी हो सकती है, वो लाइव स्टॉक भी हो सकता है, बैंक में अगर आपकी कोई एफडी है तो आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो। एंड बेसिकली ये कोलैटरल का काम क्या है, हम इसको एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, एज अ गारंटी रखते हैं टू द लेंडर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लोन लिया एक्स अमाउंट का, ठीक है, एक्स अमाउंट का लोन लिया और उसने एक कोलैटरल रख दिया, कोलैटरल लेट्स से लैंड रख दिया। अब कल को अगर ये जो एक्स इंसान है वो अगर लोन को रीपे नहीं कर पाता है बच्चा, तो जो हमारा लेंडर होता है ना, ही हैज द फुल अथॉरिटी टू सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, और उस एसेट को बेच के जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो उससे अपना लोन, मतलब अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट निकाल सकते। समझ में आया इतनी बात सबको? यस। तो कोलैटरल बेसिकली एक सिक्योरिटी की तरह एक्ट करते हैं कि भैया हाँ जी हमारे पैसे सेफ हैं, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। बिकॉज़ सी विद एवरीबॉडी इट्स लाइक वेरी वेरी हार्ड अर्नड मनी, राइट? समझे इतनी बात? अब आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान को बच्चा कोई भी लोन लेना है तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और हमें अलग अलग टाइप के लोन मिलते हैं। जैसे कार इंश्योर, कार लोन भी होता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस को यू नो स्टार्ट करने के लिए भी हमें लोन मिलता है, हमें होम लोन भी मिलता है, क्या होम लोन भी होता है, एजुकेशन लोन भी होता है। तो बेसिकली अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग लोन्स होते हैं, और अलग अलग लोन्स पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अब हमारी एक इंसान, हमारी एक गर्ल है मेघा। अब मेघा गई बैंक के अंदर, मेघा को चाहिए था होम लोन, घर खरीदने के लिए लोन चाहिए था। तो बच्चा जब भी हम लोन के लिए किसी भी अथॉरिटी के पास जाते हैं, किसी भी फॉर्मल सेक्टर के उसके पास जाते हैं, तो हमें उस लोन के को सैंक्शन करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़े, ठीक है, बिफोर बेसिकली यू नो submitting for the loan, your application, you also have to submit certain documents so that bank जो है वो आपका background check कर पाए, bank check कर पाए कि क्या आपकी इतनी paying capacity है कि नहीं, या क्या चीज आप collateral के तौर पे रख रहे हो, या क्या collateral का amount जो है will it be able to satisfy the amount of the loan that you are asking for। तो ये चीजें सारी की सारी सबमिट करनी होती है, बैंक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, चेक करता है, उसके बाद जाके लोन जो है बच्चा वो सैंक्शन किया जाता है। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं कि एक जो इंसान है वो कहाँ पे काम कर रहा है, उनकी सैलरी स्लिप्स चाहिए होती है। बिकॉज सी देन आई ऑल्सो विल गिव यू मनी, आई हैव टू मेक श्योर ना कि आपके पास इतने पैसे आते हैं कि आप मेरा लोन रीपे कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है, ये पता कर लगाने के लिए कि एक इंसान महीने में कितना कमाता है। देन कोलैटरल, कोलैटरल सिंपली हो गई बेसिकली आपकी सिक्योरिटी। देन आ गया मॉर्गेज एसेट, अगर कोई भी ऐसा एसेट है जो आप गिरवी रख रहे हो तो उसकी डिटेल्स, एंड पास्ट की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि बैंक को भी तो पता चलना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड क्या रहा है पास्ट के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा टर्म ऑफ क्रेडिट। नाउ लाइक आई सेड, टर्म ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, जिन टर्म्स पे, जिन शर्तों पे आपको क्रेडिट दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, वो हो गई बेसिकली टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर हमेशा हमेशा इन्वॉल्व होती है, वो है आपका इंटरेस्ट रेट। बिकॉज हमेशा कभी भी आप जिस मर्जी से लोन ले लो, चाहे फॉर्मल सेक्टर में लोन ले लो, इनफॉर्मल में ले लो, आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके साथ साथ कोलैटरल क्या दिया है, उसकी डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो टर्म ऑफ क्रेडिट के अंदर आता है। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट एज वेल। अब आप किस तरीके से पैसा वापस करोगे, चेक में पैसा वापस करोगे, या कोई एसेट दे के पैसा वापस करोगे, या फिर कैश में पैसे वापस करोगे, ये सारी की सारी चीजें बच्चा वो प्रॉपरली लिखी जाती है सब। एंड इसके साथ साथ इनफैक्ट मोड ऑफ रीपेमेंट के साथ साथ आपका टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट भी मेंशन किया जाता है। क्या टाइम पीरियड ऑफ रीपेमेंट इज ऑल्सो मेंशन्ड देयर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। अब जो अगेन जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है बच्चा वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वन क्रेडिट क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर क्रेडिट अरेंजमेंट। अब बेसिकली अगर लेटर से आप अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी फ्रेंड से लोन ले रहे हो तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिफरेंट होगा। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिफरेंट होगा। एंड अगेन वही वाली बात है कि नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर क्या है उस पर डिपेंड करता है। वो मनी लेंडर भी हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी भी हो सकती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकता है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड करता है इन डिफरेंट। आगे चलते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अंडरस्टूड बाई ईच वन ऑफ यू। यस एवरीवन, समझ में आया सबको इतना पार्ट? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? वेरी गुड, लवली। ओके, अब नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम दी कोऑपरेटिव्स। अब कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, देखो एक चीज समझना, कोऑपरेटिव्स होते हैं बेसिकली ग्रुप्स ऑफ पीपल। ग्रुप्स ऑफ पीपल जो वॉलेंटरिली, दिमाग में ध्यान से सुनना, वॉलेंटरिली एक साथ आते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड दे वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दी सोसाइटी। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ना, वो जनरली आपके रूरल एरियाज में भी होती हैं, आपके अर्बन एरियाज के अंदर भी होती हैं, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड चीप क्रेडिट सोर्स। बेसिकली इनका जो इंटरेस्ट होता है दैट दे चार्ज इज लेसर एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट व्हिच इज चार्ज बाय द मनी लेंडर, ठीक है। तो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो बेसिकली करते क्या है, वो अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं, ठीक है, अपनी कोऑपरेशन के साथ, और वो सारे के सारे मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं इन द टाइम्स ऑफ नीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लेट अस से मैं एक्स वाई जी कोऑपरेटिव की मेंबर हूँ, ठीक है, एक कोऑपरेटिव है एक्स वाई जी, आई एम द मेंबर ऑफ दैट कोऑपरेटिव। तो मैं एक्स वाई जी कोऑपरेटिव की मेंबर हूँ और मुझे जरूरत पड़ जाती है लोन की, ठीक है। नाउ दैट लोन कैन बी फॉर एनी पर्पस, द लोन कैन बी फॉर लेट से परचेजिंग द सीड्स और वीट, यू नो, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और एनीथिंग। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने मेंबर्स के पास जाऊंगी एंड आई विल आस्क देम कि यार मेरे को लोन की जरूरत है, सो दे विल ग्रांट मी अ लोन ऑन अ लेसर इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू द बैंक्स और द मनी लेंडर। तो इस वे में फार्मर्स को भी हेल्प हो जाती है। बेसिकली अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग कोऑपरेटिव्स बनते हैं। फार्मर के कोऑपरेटिव्स होते हैं, मर्चेंट्स के कोऑपरेटिव्स होते हैं, वीवर्स के कोऑपरेटिव्स होते हैं, एंड इन द वेरी सेम मैनर बच्चा रूरल एरियाज के अंदर भी कोऑपरेटिव्स होते हैं और अर्बन एरियाज के अंदर भी कोऑपरेटिव। मेजरली कोऑपरेटिव्स अर्बन एरियाज के अंदर होते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल एरियाज के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे कृषक कोऑपरेटिव। कृषक कौन होता है, हिंदी के अंदर फार्मर को कृषक कहते हैं। तो कृषक कोऑपरेटिव होते हैं बच्चा विलेज के अंदर, जो कि सोनपुर में है। 2300 मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव के और ये सारे के सारे फार्मर्स से थोड़ा 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 डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, बाय पुटिंग दीज डिपॉजिट्स एज कोलैटरल, ये बैंक से लोन ले लेते हैं। समझ में आया, मतलब कोलैटरल की तरह सारे के सारे डिपॉजिट्स को रख लिया, जमा कर लिया, उनको सिक्योरिटी की तरह बैंक में दे दिया और बैंक से एक बड़े अमाउंट का लोन ले लिया। एंड देन जो भी लोन आपको बैंक से मिला वो फंड्स को यूज करके आगे फार्मर्स को और ज्यादा लोन दे दिए। तो इससे क्या हुआ, फार्मर खुश, सारे के सारे फार्मर्स की नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। एंड एक बार ये जब लोन रीपे हो गया तो फिर अनदर साइकिल ऑफ लेंडिंग बिगिंस।
अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है नीचे लाइव चैट के अंदर, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का जो अग्रीमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? इंटरेस्ट रेट होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी से एवरीबडी क्विकली क्विकली गिव मी द आंसर इन द लाइव चैट, जल्दी से गाइस क्विक। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे एकदम सही सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया गाइस। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी, ये तीनों के तीनों जो पॉइंटर्स हैं, ये आपके टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अग्रीमेंट में मेंशन। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो, इंडिया के अंदर बेसिकली दो सेक्टर्स हैं क्रेडिट देने के, एक है हमारा फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। कितने सेक्टर्स हैं? बेसिकली एक हमारा है फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर से हमें लोन्स मिलते हैं, और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मल सेक्टर होता है, दिस एक्चुअली इंक्लूड्स बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो होता है मनी लेंडर्स से लोन ले लिया, या अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, फैमिली मेंबर्स से लोन ले लिया। तो अभी पहले हम फॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। Now, like I said, दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स इंक्लूड होते हैं, और इनफॉर्मल में आ गए आपके मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, या फिर जहां पे आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या एम्प्लॉयर्स हैं वो हो गए, और रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सारे इनफॉर्मल के अंदर होते हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। अब बच्चा एक चीज ध्यान रखना, जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बेसिकली ये हमारी मनी प्रिंटिंग एजेंसी है, आप कह सकते हो। जैसे जितने भी हमारी कंट्री के अंदर नोट्स प्रिंट होते हैं, उन सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में छापा जाता है। तो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बच्चा, वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स को सुपरवाइज करता है, उन पे नजर रखता है, देखता है कि बैंक जो है वो लोगों को कितने लोन्स दे रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दे रहा है, सब कुछ वो सुपरवाइज करते हैं। और जो आरबीआई है वो एक्चुअली में ये भी चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बैंक ही कहीं कोई फ्रॉड ना कर दे, या बेसिकली वो जो कैश बैलेंस है वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ आरबीआई के हाथ में होता है। Now I told you 15% of the total amount is actually maintained by the banks in order to give cash to the depositors, है ना, अगर किसी को भी withdraw करना होता है। तो उस केस में जो RBI है वो ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखता है, सारी की सारी चीजों को monitor। Clear? Now RBI ये भी देखता है कि जो banks हैं वो सिर्फ profit making business बनाने के लिए ही loans नहीं दे रहा है, traders को या छोटे छोटे you know farmers को, small cultivators को भी loan दे रहा है, small businessmen को भी loan दे रहा है, ताकि सारे के सारे लोग तरक्की कर पाए। अब देखो, अगर हम सिर्फ रिच लोगों को ही लोन्स देते रहेंगे, उन्हीं को लोन्स ग्रांट करते रहेंगे, तो बेचारे गरीब लोगों को क्या होगा, वो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये जो गैप है बिटवीन द रिच पीपल एंड द पुअर पीपल, इट विल कीप ऑन इंक्रीज। तो आरबीआई ऑल्सो मेक श्योर कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बना रहे बैंक इस चीज को, बल्कि छोटे कल्टिवेटर्स को, छोटे फार्मर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट को, छोटे छोटे बोरोअर्स को भी वो लोन्स ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखो, तो आप देखोगे दैट दीज आर बेसिकली द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एज पर रुपीज 1000 ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया इन 2012। तो ध्यान से अगर आप देखो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से समवेयर अराउंड 25% का लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट से सिर्फ 1% का, मनी लेंडर से 33% का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों, दैट द मनी लेंडर्स आर एक्चुअली गिविंग द हाईएस्ट you know percentage of loans to the people, that is because bacha jo money lender hai wo basically ek informal sector se belong karta hai। ab informal sector ke andar aapko koi collateral nahi dena, aapko koi documentation nahi deni, word of mouth se sare ke sare kaam chal rahe hain। to us case mein bacha money lenders sabse zyada paisa de dete hain, kyunki bahut sare rural area ke log aise hote hain jinke proper documentation nahi hui hoti, unke bank accounts wagera nahi khule hote। बट अगेन, हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। मनी लेंडर्स जो हैं वो लिटरली बहुत 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 ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फ्रॉम द पीपल, द रूरल पीपल, एंड द चांसेस ऑफ द रूरल पीपल गेटिंग इनटू अ डेट ट्रैप उसके बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या फायदा है ना। तो धीरे 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 बच्चा जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी कंट्री के अंदर लिटरेसी आ रही है, जैसे जैसे हमारी कंट्री
लोगों को अपने चीजों के बारे में पता चल रहा है, उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, ये चीज धीरे धीरे बदल रही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो बच्चे देखो, सीधी सी बात है, अगर हम इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की बात करें, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज को या उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करती, मतलब वो बादशाह है, वो शहनशाह है, उनको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना देने का मन करेगा वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, जब तक देने का मन करेगा तब तक देंगे, और अगर उनको कोलैटरल चाहिए होगा या कोई सिक्योरिटी चाहिए होगी वो लेंगे, नहीं चाहिए होगी वो नहीं लेंगे, मतलब वो अपनी मर्जी के मालिक है, ठीक है। तो दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे मे चूज। अब ये इंटरेस्ट रेट अगेन, ये पर मंथ भी हो सकता है, ये पर एनम भी हो सकता है, और जनरली ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है, पर मंथ में हो रहा है। तो मनी लेंडर्स ऑन अ यूजुअल टर्म जनरली पर मंथ के बेसिस पे लोन देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, जैसे कभी 2% पर मंथ, कभी 5% पर मंथ, एंड समटाइम्स इवन एक्सीडिंग टू 10% पर मंथ, विच इज लाइक ह्यूज ह्यूज अमाउंट। कभी कभी तो आप लिटरली लगा लो कि प्रिंसिपल अमाउंट से बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट का अमाउंट इज लिटरली इट गोज इट एक्सीड्स द प्रिंसिपल अमाउंट। तो लेकिन वही बात है, उनको कोई रोक नहीं सकता अनफेयर मीन्स को यूज करने से टू गेट देयर मनी, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को या फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन को इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन से कंपेयर करें, तो ऑल नॉन फॉर्मल जो सेक्टर्स हैं दे आर वेरी वेरी सेफ, दे आर मच सेफर, उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं बच्चा, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर। तो सबसे पहले तो देखो, फॉर्मल सेक्टर को आरबीआई सुपरवाइज करे, तो आरबीआई इज गोना मेक श्योर कि कहीं से लोग जो हैं वो एक्सप्लॉयट नहीं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होना, राइट। तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो जाती है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, क्योंकि मनी लेंडर कितना मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। तो ऐसे केस में बच्चा क्या हो जाता है, अल्टीमेटली जो लोग हैं, जो बोरोअर्स हैं, वो एक डेट ट्रैप में फंसे, क्योंकि क्या है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने 10,000 रुपीज का लोन लिया एट 10% पर मंथ, ठीक है, 10% पर मंथ। तो आप ये समझ लो कि अगले महीने अमाउंट 11,000 की हो गई, उससे अगले महीने जो अमाउंट है वो बेसिकली कितनी हो गई, 1100 का और इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 12,100। तो बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है वो कितना बढ़ गया ना अमाउंट, राइट। तो इसको पे ऑफ करने के लिए कभी कभी क्या होता है, लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, वो इस साइकिल में फंसते चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि एट टाइम्स उनकी अर्निंग्स ही नहीं हो पाती, उनकी इनकम ही इतनी नहीं हो पाती कि वो अपने प्रॉफिट भी निकाल पाए और लोन और इंटरेस्ट का पेमेंट भी। तो अब क्या करा जाए, अब इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि फॉर इनफॉर्मल क्रेडिट पे डिपेंडेंस जो है वो थोड़ी कम हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप कह तो रही हो इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंस कम कर दो, लेकिन कैसे, हाउ वुड वी एक्चुअली रिड्यूस दिस डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल क्रेडिट, कैन एनीवन ऑफ यू गाइस टेल मी इन द लाइव चैट द आंसर टू दिस, जल्दी से थोड़ा मतलब कैसे ही मार दो मेरे को वो भी चलेगा, जल्दी से मुझे बताओ, एनी वन ऑफ यू गाइज हु कैन टेल मी कि मैम इस तरीके से हम इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स के ऊपर थोड़ा कैप लगा सकते हैं, अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, जल्दी से बताओ बताओ। वेरी गुड, सही है सही है, ट्राई गिविंग मोर एंड मोर आंसर्स इन द लाइव चैट। ओके, नंबर वन तो देखो, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। बच्चा आप खुद सोचो, अगर जो लोग हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट के अंदर ही रह जाएंगे तो वो खुद के लिए कैसे पनपेंगे, हाउ विल यू नो दे इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे x अमाउंट का लोन पे करना है, ठीक है, एंड दिस x अमाउंट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द अमाउंट दैट आई एम अर्निंग, या फिर ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ माय प्रॉफिट मेकिंग, तो भाई मैं कैसे, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसे इंप्रूव हो पाएगा, मेरी जो जो मेरी नीड्स हैं, जो मेरे वॉन्ट्स हैं वो कैसे फुलफिल हो पाएंगे, मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के जो भी नीड्स एंड वॉन्ट्स हैं वो कैसे फुलफिल हो।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिले। देखो इतना तो पक्का है कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो उसपे इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स होते हैं बच्चा, उनमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर्ड टू इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ गिविंग लोन्स, ठीक है, और टेकिंग लोन्स। तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो हैं, दे शुड इंक्रीज द लेंडिंग्स इन द रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरिया के जो लोग हैं वो बेचारे उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, एंड सम ऑफ द फार्मर्स आर सो सो पुअर दैट दे डू नॉट इवन हैव अ कोलैटरल। तो उस केसेस में उन लोगों को बेचारों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, बट दे हैव टू मूव टू द मनी लेंडर्स। तो इस केस में बच्चा बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए एंड अपनी लेंडिंग्स को इंक्रीज करना चाहिए रूरल एरियाज में। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए फॉर्मल क्रेडिट की, सो दैट जो पुअर लोग हैं वो भी चीपर लोन्स का फायदा उठा पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच लोगों को ही सारे के सारे लोन्स दे दिए, नहीं, पुअर लोगों को भी लोन्स मिलने चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टुवर्ड्स द रिच एंड द पुअर आल्सो। अब एक और आप अगर ध्यान से ये वाला ग्राफ देखो तो बच्चा इसके अंदर ना आपको चार टाइप के ग्रुप्स मिलेंगे। ऑफ ऑल द लोन्स व्हिच आर टेकन बाय द अर्बन हाउसहोल्ड्स, इनके आपको परसेंटेज गिवन है रूरल हाउसहोल्ड्स की भी और अर्बन हाउसहोल्ड्स। तो देखो पूरे के पूरे जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना बच्चा, उनको चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया है। एक तो आ गया आपका पुअर हाउसहोल्ड, एक आ गया हाउसहोल्ड जिनके पास बहुत ही कम एसेट्स हैं, हाउसहोल्ड्स विद लेस एसेट्स। नंबर थ्री आपका आ गया जो रिच हाउसहोल्ड्स हैं, मतलब जो ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिलीज वाले वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स हैं, और नंबर चार आ गया आपका रिच हाउसहोल्ड। ठीक है, अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं बच्चा, वो सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी द हाउसेस विच हैव लेस नंबर ऑफ एसेट्स, दे आर इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसे अगर आप वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स की देखो तो वो ज्यादा फॉर्मल सेक्टर्स के टुवर्ड्स जाएंगे। एंड इफ यू टॉक ऑफ द रिच हाउसहोल्ड्स, 90% ऑफ द रिच हाउसहोल्ड्स एक्चुअली टेक लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। सिर्फ और सिर्फ 10% का ये जो इनका परसेंटेज है वो सिर्फ इनफॉर्मल देते हैं, बाकी सब formals. Yeah. Now, why is that? Because they have their accounts opened with the banks, they have their deposits with the bank, they have the collateral. And उसके साथ साथ देखो उनका तो फायदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनको cheap interest rates पे loan मिल रहा है। क्या रहे? आगे चलते हैं। अब ये question करते हैं, two to the question है, बहुत easy question. Which one of the following is not an informal sector loan for the poor households in India, poor rural households in India? Is it the commercial banks, the traders, the money lenders, या फिर landlords? जल्दी से ये वाला question यार बहुत easy है, एकदम easy peasy pizza cheesy question. Everybody quickly, जल्दी जल्दी से सारे के सारे अपने answers दे दो मुझे live chat के अंदर। ये तो बहुत आसान question है, money lenders absolutely is not an informal, तो commercial banks, I'm so sorry, slip of tongue, commercial banks जो है बच्चा वो एक informal sector नहीं है, ये basically formal sector से belong करते हैं। बाकी सारे के सारे आपके traders भी हो गए, money lenders हो गए, landlords हो गए, ये तीनों के तीनों informal sector के loan providers है for the poor rural people. अब next आता है हमारा last topic of this particular chapter, that is the self help groups for the poor people. अब बेचारे जो गरीब लोग होते हैं ना बच्चा, वो क्या करते हैं, वो वॉलंटरली एक साथ आते हैं और ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं ना कि वही वाली बात है जैसे अपना हाथ जगन्नाथ है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो अपनी खुद की हेल्प करने वाला है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि जो पुअर हाउसहोल्ड्स है ना बच्चा, दे आर स्टिल वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब ऐसा क्यों है? नंबर वन, तो रूरल एरियाज के अंदर बैंक बहुत कम है। इवन इन द एरियाज जहां पे बैंक्स प्रेजेंट है, बैंक से लोन लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। क्योंकि देखो बैंक के अंदर आपको 3600 तो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ठीक है, आपको अपने आईडी प्रूफ देने पड़ते हैं, आपको अपने सारे के सारे एड्रेस प्रूफ देने पड़ते हैं, आपको अपनी बैंक की पेयर्स डिटेल्स देनी पड़ती है, आपको अपने पे इन स्लिप देना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर टू बी सबमिटेड टू द बैंक इन ऑर्डर टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक।
Whereas on the other hand, informal sources के पास वो जाएंगे तो उनको कुछ भी नहीं देना है ऐसा. At times तो word of mouth से ही वो दे देते हैं कि यार मेरे को इतना पैसा उधार चाहिए, चलो भैया इस इंटरेस्ट पे आप इतने टाइम के लिए इतने पैसे. एंड एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि मेजर रीजन जो है कि पुअर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, दैट इज द एब्सेंस ऑफ कोलैटरल. अब वो बेचारे कुछ कुछ लोग तो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए होता ही नहीं है, कोई कोलैटरल होता ही नहीं है, तो वो बेचारे देंगे कहाँ. और क्योंकि कोलैटरल नहीं है इसलिए बैंक भी उनको लोन नहीं देते. ठीक है, तो लोन जो होता है इनफॉर्मल सेक्टर से लेना वो काफी आसान हो जाता है टू द पुअर पीपल. एंड आप ये भी कह सकते हो कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बचती, दे हैव नो चॉइस. वो इनफॉर्मल सेक्टर से उनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन फॉर्मल सेक्टर से तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि कोलैटरल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं. ठीक है, तो दैट इज द रीजन जो पुअर हाउसहोल्ड्स होते हैं वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट पे रहते हैं डिपेंडेंट. चलो आगे चलते हैं. हाउएवर जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, मनी लेंडर्स भी अपना फायदा सोचते हैं हर एक चीज के अंदर. मनी लेंडर्स जो है बच्चा वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, वो कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं करते, कभी कभी तो लिटरली वो पुअर बोरोअर्स को हैरास करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं अगर वो टाइमली इंटरेस्ट नहीं पे करते या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करते, कभी मतलब पिटाई भी करवा देते हैं उनकी. तो गुंडागर्दी वाला फुल सिस्टम चलता है मनी लेंडर. तो अब आता है इसी सारी चीजों से थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए, भाई लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि करें तो करें क्या, तो उन्होंने निकाला एक बीच का रास्ता. अब ये बीच का रास्ता क्या था, सेल्फ हेल्प ग्रुप की फॉर्मेशन. तो बच्चे जनरली रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्पेशली जो विमेन है उन्होंने अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया. तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब लगभग 15 से 20 मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, जो यूजुअली आसपास के आस पड़ोस के लोग होते हैं, और वो मिलके ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं. और सारे के सारे जो लोग होते हैं ना बच्चा, जितनी उनकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से वो अपनी सेविंग्स को पूल इन करते हैं एंड दे कलेक्ट दोस से. अब सेविंग्स कलेक्ट हो गई, जब सेविंग्स कलेक्ट हो गई उसके बाद अगर किसी भी मेंबर को लोन चाहिए, लोन की जरूरत है, तो उन सेविंग्स में से लोन दे दिया. ठीक है, तो सेविंग्स अगेन वेरी करती है फ्रॉम मेंबर टू मेंबर, लाइक आई सेड जितनी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो उतना पुल इन कर सकता है. फ्रॉम 25 रुपीज टू 100 रुपीज, कई के लोग तो 1000 रुपीज भी देते हैं, 5000 रुपीज भी दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉकेट अगेन एंड देयर अबिलिटी टू पे. अब जो मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो छोटे 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 लोन्स एक दूसरे को दे देते हैं इन ऑर्डर टू मीट देयर रेगुलर नीड्स. और अगर ग्रुप की रेगुलर सेविंग्स बनती है ना, अगर रेगुलरली सारे के सारे जो मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वो यू नो पूल इन करते रहते हैं और वो सेविंग्स अपनी कलेक्ट करते रहते हैं, अगेन वो अगर उन्होंने कोलैटरल जमा कर दिया तो उनको बैंक से भी लोन मिल जाता है. अगर एक बड़ी बैंक ने उनका लोन सैंक्शन कर दिया इन द नेम ऑफ द ग्रुप, तो इससे क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है. मतलब जो विमेन है या फिर जो भी मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, वो खुद पैसा लेके, एज इन लोन लिया तो पैसा लेके, और अपना भी कोई काम शुरू कर सकते हैं. जैसे कई कई जो लेट अस टॉक अबाउट वुमेन, तो वुमेन जो है वो एट टाइम्स अपने लिए सुइंग मशीन्स खरीद सकती हैं या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे काम की चीजें खरीद सकती हैं, कैटल खरीद सकती हैं, उनको रेयर कर सकती हैं, मतलब जो भी छोटी मोटी चीजें वुमेन कर सकती हैं, या टेलरिंग के लिए मशीन खरीद सकती हैं कि उन्होंने सूट वगैरह बना दिए दे कैन सेल इट ऑफ. तो जो छोटे 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 काम जो की वुमेन कर सकती हैं वो उनको पैसे फ्रॉम द लोन्स. क्लियर? सेपरेट ग्रुप फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, ऑब्वियसली बात है. अगर इन केस देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लो लोन लिया है, अगर लोन लिया है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोन दिया है, तो लोन ऑल्सो हैज टू बी रीपेड. ऐसा नहीं है कि लोन लिया और भैया भूल गए. अगर कोई भी मेंबर कोई लोन पे नहीं करता है, उसकी किस्त नहीं जमा करवाता है, तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है. इट इज डेल्ट वेरी वेरी सीरियसली बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना बच्चा, वो एक तरीके से आप समझ लो बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं सारे के सारे लोगों को, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो बोरोअर्स को भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपना लैक ऑफ कोलैटरल यानी कि लैक ऑफ सिक्योरिटी जो उनके पास नहीं है, उस चीज की भी प्रॉब्लम सॉर्ट होगी, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स पुल इन करके कोलैटरल जमा करके और बैंक से लोन ले पा रहे हैं. ठीक है,
एंड उसके साथ साथ उनको टाइमली लोन्स भी मिल रहे हैं, मतलब जब भी उनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको लोन मिल रहा है, ठीक है, दैट टू एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। ये सबसे बड़ी चीज है। अब देखो, चाहे फिर वो कोऑपरेटिव हो, चाहे फिर वो बैंक हो, चाहे फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सारे के सारे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते ही करते हैं। नाउ व्हाई इज इट एडवाइजेबल कि फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेना चाहिए, इज बिकॉज उसके अंदर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना बच्चा, आप ये कह सकते हो दीज आर लाइक द बैकबोन्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रूरल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल। तो एट टाइम्स इसमें क्या होता है बच्चा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे विमेन जो है उनकी बहुत हेल्प हो जाती है, काफी ज्यादा तरक्की कर लेते हैं विमेन, क्योंकि वो सेल्फ रिलायंट बन जाती है, वो अपने खुद के ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि अगर उनको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकती। एंड नॉट जस्ट दिस, देखो बहुत सारी ऐसी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं विच यू नो पीपल नीड टू डिस्कस विद समबडी, और हमें कभी एडवाइस की भी जरूरत हो सकती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से नॉट ओनली द वुमेन बिकम सेल्फ रिलायंट, बट आल्सो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकती हैं, उन लोगों से एडवाइस ले सकती हैं, सारे के सारे जो ग्रुप है उनको बता के अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है बच्चा, वो प्रॉब्लम्स घर से रिलेटेड भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड भी हो सकती है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप रूरल एरिया की बात करो, यू आर बेसिकली एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज नॉट वेरी रिच और व्हिच डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो उस केस के अंदर बच्चा बहुत बारी ऐसा भी होता है कि घर में औरतों को मार धाड़ की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, घर में इतने भी पैसे नहीं होते कि वो लोग दो वक्त का खाना अफोर्ड कर, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दीज कैन बी डिस्कस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ऐसा ही एक बैंक है बच्चा, दैट इज द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, जिसके अंदर जो पुअर पीपल हैं वो एक साथ आए मिलजुल के उन्होंने अपनी क्रेडिट नीड्स को, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1970 के अंदर आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश शुरू हुआ था, और आज के टाइम पे बच्चा अप्रोक्सीमेटली 81,000 विलेजेस इस पर्टिकुलर ग्रामीण बैंक का पार्ट है, एंड इट हैज मेंबर्स अक्रॉस द कंट्री। 9 मिलियन पीपल, मोर देन 9 मिलियन पीपल आर एसोसिएटेड विद इट, और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसको फाउंड करा था, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक, एंड इनको बच्चा नोबेल पीस प्राइज भी मिला था इस, ठीक है। तो इस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग बैंक्स बनाए गए हैं ताकि पुअर लोगों के टुवर्ड्स भी यू नो बेटरमेंट हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि आखिर तो हमारी ही जिम्मेदारी है हमारी कंट्री को, हमारे देश को आगे लेके जाने की, है कि नहीं। तो दिस इज इट, एंड एक क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन है, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग द लोन एक्टिविटीज वो कौन लेते हैं? वो बैंक्स लेते हैं, कोऑपरेटिव्स लेते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं, या फिर मेंबर्स। टिपिकली एक चीज ध्यान रखना, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के अंदर। और बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट आता है कि मैम फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में और कोऑपरेटिव्स में फर्क क्या होता है? तो एक चीज ध्यान रखना बच्चा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ना वो जनरली रूरल एरिया के पुअर लोग फॉर्म करते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड उसमें मेंबर्स भी कम होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर। कोऑपरेटिव्स बड़े लेवल पे होते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर भी हो सकते हैं, रिच मेंबर्स भी उनको फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर टू दिस इज, टेल मी, जल्दी से बताओ लाइव चैट के अंदर क्या है इसका सही जवाब। एवरीबडी, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, द मेंबर्स। ऑफ कोर्स द मेंबर्स विल टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द लोन एक्टिविटीज। अभी होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, इसके आंसर्स आपको नीचे देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर दी सर्विस कंडीशंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स बेटर एज कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर, तो क्यों बेटर है सर्विसेज। एंड नेक्स्ट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है या SHGs जो है वो क्या है, उनके बिहाइंड मेन आइडिया क्या है, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो बच्चा ये सारी की सारी चीजें आपको मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, मेमोराइज देम, एंड नीचे कॉमेंट सेक्शन के आंसर।
So that is it for the day. I hope you guys enjoyed the session. और हमने पूरा का पूरा chapter एकदम मक्खन complete कर लिया. I hope you guys have understood. So do let me know in the comment section अगर आप लोग को मजा आया है. And उसके साथ साथ बच्चे जल्दी से जाके ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो. यू गाइज कैन यूज दिस क्यू आर कोड. इसको गूगल लेंस में स्कैन करोगे, यू गाइज विल डायरेक्टली लैंड इनटू द टेलीग्राम ग्रुप. और ये आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो. साथ साथ इफ यू गाइज एंजॉय डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स गाइज. और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोग को सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे मैथ्स के साइंस के Yeah. So I will see you all in the next class. Till then, bye guys. Take care. Love you all and have a wonderful evening. Bye.